एक बार फिर मर्दानी बनने को तैयार है रानी मुखर्जी। अगले महीने से शूटिंग होगी शुरू। रानी मुखर्जी ने अपनी सुपरहिट फिल्म मर्दानी में एक उत्कृष्ट और प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने एक बाल तस्करी रैकेट के सरगना का खात्मा करने की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 2014 में आई थी। इस फिल्म को काफी सराहा गया है और यह खबर बहुत समय से है कि इसका सीक्वेल बनेगा। नई खबर यह है कि इस फिल्म के सीक्वेल मर्दानी 2 की शूटिंग 18 मार्च से शुरू होगी। फिल्म मर्दानी के सीक्वेल में रानी एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में दिखाई देंगी, जो 21 साल के एक निर्दयी खलनायक के साथ लड़ाई कर रही है। इस फिल्म का काफी समय से बेहद इंतजार हो रहा था। बता दें कि मर्दानी 2 की शूटिंग मार्च में मुंबई में शुरू होगी और यह एक छोटा शेड्यूल होगा। रानी खुद भी इसे शुरू करने के लिए काफी बेसब्र हैं और शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में उन्हें फिर से देखना काफी रोमांचकारी होगा। इस बार वे एक 21 वर्षीय खलनायक से निपटेंगी। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिचकी के बाद रानी की अगली फिल्म होगी। रानी के माँ बनने के बाद कमबैक फिल्म हिचकी ही थी। मर्दानी 2 का निर्देशन पहली मर्दानी फिल्म के लेखक गोपी पुथरन करने वाले हैं। कुछ दिन पहले फिल्म को लेकर रानी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि मर्दानी उनके दिल के बेहद करीब है और इस फिल्म की रिलीज के बाद लगातार उनसे यह पूछा जाता रहता था कि आखिरकार इस फिल्म का सीक्वल कब आएगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे मर्दानी 2 की शुरुआत करेंगी। रानी ने इस बारे में आगे बताया था कि इस फिल्म का लेखन गोपी पुथरन ने किया है और हम लोग जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं।